आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बाखैरियत होंगे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुरखे। जैसा कि आपको ज़ोया ने बताया, कुरखे ज़्यादातर लोग कुरखे नहीं जानते हैं क्योंकि ये अलग अलग ज़बानों में इसका नाम दिया जाता है। ज़्यादातर लोग जो है ना, कोई लोग इसको बोलते हैं रेड लोबिया, कोई बोलते हैं कलूल, कोई बोलते हैं पीते, यानी मुख्तलिफ नाम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका नाम है कुरखे। तो आइए जी कुरखे बनाते हैं। तो कुरखों में जो इंग्रेडिएंट्स आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, हमने लिए हैं कुरखे हाफ के जी, जो कि ये पड़े हैं रेड लोबिया। इसमें हम जो चीज़ें ऐड करने वाले हैं, दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर पिसे हुए, आप साबत भी डाल सकते हैं, दरमियाने साइज़ की 2 प्याज, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, नमक हसबे ज़ायका, हल्दी 1 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, धड़ा मिर्च जो है वो 1/2 टेबल स्पून है। इसमें आलू बुखारा ले लें आप 3 से 4 अदद, हरी मिर्च, आमचूर ले लें 2 टेबल स्पून और मसाला ले लें 2 टेबल स्पून। तो आइए बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, घी डालेंगे, तो दोस्तों घी हमारा गर्म हो चुका है, तो प्याज डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे कि प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। तो नाज़रीन ये देखें, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन को भूनेंगे। थोड़ा सा लहसुन को भून जाने के बाद फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये भी टमाटर आ गए। टमाटर के साथ ही हम लोगों ने ऐड कर देना है रेड मसाला। सूखा धनिया, धड़ा मिर्च, हल्दी, नमक, आलू बुखारा, आमचूर, अभी मसाले को भुनेंगे। मसाले की भुनाई के बाद फिर आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये हमारा मसाला भुन चुका है तकरीबन, सब पानी ऐड कर देंगे। बाबा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, खुशबू तो आएगी अभी तो इसमें
काफी काम है। और नाज़रीन जी, काफ़ी लोग, कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं राजमा, राजमा करके भी बोलते हैं इसको। ज़्यादातर जो है ना, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इसको राजमा कहते हैं। उन लोगों को रेड लोबिया और कुरखे इस चीज़ों का नहीं पता है, तो वो लोग राजमा बोलते हैं। तो नाज़रीन, ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, हेल्दी भी है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है इसका। तो देखें, जैसा कि नाज़रीन, हमारा मसाला माशाल्लाह भुन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाला भुनने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे कुरखे। बिस्मिल्लाह, कुरखे हमने डाल दिए। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कलर बहुत प्यारा आ गया इसका। मसाला भी बन चुका है, हमने कुरखे भी ऐड कर दिए। तो अभी जो है ना, इसको ढक देना है एक 5 से 7 मिनट तक। तो जनाब, जब तक कुरखे तैयार होते हैं तो हम लोग दही का रायता बना लेंगे, साथ में फिर दही का रायता भी खाएंगे। तो 2 अदरक खीरे लिए हैं, कोकम्बर, 2 अदरक टमाटर दरमियाने साइज की, 2 अदरक प्याज और सलाद के पत्ते और पुदीना, 2 अदरक मिर्च, सब्ज मिर्च, व्यूअर्स। देखिए, मैंने जोया को कहा था कि आप चले जाओ कि मैं प्याज काटने वाला हूँ, तो जोया की अभी आंखें जल रही हैं और मुझे कह रही है कि बाबा आंखें जल रही हैं। तो मैंने कहा, भाई मैंने तो आपको कहा था कि आप जाओ बाहर, क्योंकि प्याज पता है ना कि आंखें जलाते हैं। तो इस वजह से इसने मेरी बात मानी नहीं है। तो अभी भोग दो भाई। तो बहुत प्यारी है, रायते की। हाँ बेटा, अच्छी लग रही है ना। तो नाज़रीन देखें, पुदीने में मैंने डाल दिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर दें। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर देना है दही। दही ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाट मसाला और नमक हसब ज़ायका।
और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। तो व्यूअर्स देखें, दही थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा दही हम और ऐड कर देंगे। आधा टेबल स्पून गरम मसाला भी ऐड कर दें पिसा हुआ, मिक्स वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रायता जो है रेडी हो चुका है। अभी बढ़ते हैं लोबी की जानिब क्योंकि उसका 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लोबी की शक्ल देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। और ये देखें जी, ये हमारा लोबिया मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, पुदीना, पुदीना डालने के बाद देखें जी माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोबिया हमारा तैयार हो चुका है। आइए हम लोग अभी अपनी डिश आउट करते हैं लोबिया को। नाज़रीन हमारी डिश तैयार हो चुकी है, हम अभी लगे हैं खाने। तो आज मैंने सोचा है कि आज सब बच्चों के लिए ट्रेडिशन हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है जो मैंने माई चैनल खोला है तो सिर्फ अपनी बेटी के कहने पर खोला है, क्योंकि ये कहती थी बाबा चैनल खोलो हम लोग खाना बनाएंगे, क्योंकि आप तो वैसे भी घर में खाना बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो। तो आज मैं आपको मिलाता हूँ मैं अपने बड़े बेटे के साथ, मोहम्मद उमर। ये मोहम्मद उमर बड़ा बेटा है मेरा, उसके बाद जोया का नंबर है, फिर उसके बाद मोहम्मद अमार है, ये मेरा भांजा आया हुआ है कराची से। तो मोहम्मद हुसैन जो कि गया है अभी हाथ धोने के लिए, तो आए शुरू करते हैं। जोया टेस्ट करेगी कैसा बने आज का लोबिया। आजा इधर आ बाबा जी। और ये आ गए हैं मोहम्मद सैयद जो कि हमारी जान है। नमक, ये नींबू का आप डाल दें तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नींबू डालिए, बिस्मिल्लाह।
और ये जो है ना हमारे सबसे जूनियर मोहम्मद अजान जो कि सोए हुए थे, ये अभी उठे हैं। तो सोया खैर से चार भाइयों की एक बहन है, अल्लाह ताला इनको नसीब अच्छा करे, उसको अमान में रखे। बेटा ट्राई करो, मजा ट्राई करो, बिस्मिल्ला पढ़ो। रेसिपी यहाँ पे ख़त्म होती है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो तब तक ये मुदीर को और सोया जान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।